बहुत पुराना जंगल था। वहाँ लोग जाने से डरा करते थे, क्योंकि जो भी रात के समय वहाँ जाता था वो कभी लौट कर नहीं आता था। शाम होने को आई है, ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हम जंगल के रास्ते चलें? ये रास्ता छोटा लगता है तो हम जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे। नहीं भाई, मैंने सुना है इस जंगल में रात के समय कोई जाता है तो वापस नहीं आता है। ये खतरनाक हो सकता है, भला हमें लंबा रास्ता ही क्यों ना लेना पड़े, हम उसी रास्ते से ही चलते हैं। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों ने खाली अफवाह फैला रखी है। इस जंगल में कुछ नहीं है और हम जल्दी ही निकल जाएंगे। इधर से गए तो रात होने से पहले पहले अपने अपने घर होंगे। जैसे ही वो दोनों जंगल में पहुंचते हैं, उनके सामने एक भूतिया सांप आ जाता है। आज तो मुझे दो शिकार एक साथ मिल गए, बताओ पहले किसे खाऊं? अरे अरे, हमें जाने दो, मैं तो इसके कहने पर आया था कि इसे खा लो तुम, पर मुझे जाने दो। ये तो यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। और भूतिया सांप उन दोनों को एक साथ अपनी लंबी पूंछ में बांध कर खाने लगता है। वहाँ से सिर्फ उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें ही बाहर आती हैं, और वो कभी किसी को नहीं मिलते। फिर कुछ दिनों के बाद उस जंगल में सोहन नाम का एक युवक किसान जाता है। चलो जल्दी जाकर लकड़ी काट लेता हूँ, वरना अगर देर हो गई तो आज खाने को कुछ नहीं रहेगा। माँ भी इंतजार करने लगती है, जल्द से जल्द लकड़ियाँ काट कर घर वापस आ जाऊंगा। रुक जा, कुछ खाने के लिए बांधा है, लेते जा, दोपहर में बैठकर कुछ खा लियो और जल्दी वापस भी आ जाइयो। और देख, जंगल में अंदर तक मत जाना। सोहन घर से निकलकर रास्ते पर जा रहा था कि एक गांव वाला उसे टोकता है। अरे भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? भाई आज थोड़ा लेट हो गया हूँ, जल्दी जाकर लकड़ियाँ काट लूँ ताकि कुछ कमाई हो। अच्छा, बाद में मिलता हूँ। वो जल्दी जल्दी जंगल में जाता है और लकड़ियाँ काटने लगता है। आज तो ढेर सारी लकड़ियाँ काट लूंगा, जिससे घर में कुछ पैसे आ जाएं, ताकि माँ के लिए दवाई भी ला सकूं और कुछ फल भी, उनके सिवा मेरा है ही कौन। सोहन लकड़ी काटने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे समय का पता ही नहीं चलता, और शाम ढल जाती है। अरे बाप रे, बहुत लेट हो गया लकड़ियाँ काटने में, रात होने को है, अब निकलता हूँ यहाँ से, माँ राह देख रही होगी। अरे ये कैसी आवाज है, कोई है क्या यहाँ पर? अगर कोई है तो बता दो, मैं बाहर निकलने जा रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। फिर से वही सरसराहट की आवाज आती है, पर कोई जवाब नहीं आता। ये कैसी आवाज है, ये तो बहुत डरावनी लग रही है, चलो मैं जल्दी से बाहर निकलता हूँ। अरे रास्ता तो यही था, मैं यहीं से तो अंदर आया था, अब यहाँ कोई रास्ता ही नहीं है, मैं बाहर कैसे जाऊँ? सोहन डरते हुए तेज कदमों से चलने लगता है। रात हो जाती है, पर वो जंगल के बाहर नहीं निकल पाता। चलते चलते वो एक नदी के पास पहुंचता है, जिसके अंदर चांद का प्रतिबिंब दिख रहा था। सोहन उसी नदी में हाथ मुंह धोता है और दोपहर का खाना निकाल कर खाने बैठता है। तभी फिर से उसे सरसराहट की आवाज आती है। वो पलट कर देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है। वहाँ एक बहुत बड़ा भूतिया सांप था, उसने फन फैलाया हुआ था और उसके दो बड़े बड़े दांत थे। मुझको बुला रहा था ना, ले मैं तेरे सामने आ गया, अब क्या बोलना चाह रहा है बोल, वरना मैं इंतजार नहीं करूंगा और तुझे आ जाऊंगा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सुबह से मैं तेरे पीछे पीछे घूम रहा हूँ, लगा शाम हो गई तू यहीं रहेगा, तो मैंने तुझ पर हमला करने के लिए मौका ढूंढना शुरू कर दिया। देखो मुझे बहुत डर लग रहा है, ये बात तुम्हें पहले ही बता दूं, तुम मुझे मत खाओ, मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का हूँ,
तुम मुझे जाने दो। मैं अपनी माँ की दवाइयों के लिए ज्यादा लकड़ियाँ काटना चाहता था, जिसकी वजह से लेट हो गया, और मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। बस मैं अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम मुझे कल खा लेना, पर आज मुझे लकड़ियाँ लेकर मेरी माँ के पास जाने दो, ताकि मैं उसके लिए दवाइयाँ दे सकूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कल खुद आ जाऊँगा, पर बस मुझे आज के लिए यहाँ से जाने दो। मैं तुझ पर विश्वास कैसे करूँ? मुझे तो अभी भूख लगी है, और यहाँ से जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है, इतना तो मैं जानता ही हूँ। तुम्हारी बात पर मुझे यकीन नहीं है। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। अगर मैंने जाने दिया तो आज मैं भूखा ही रह जाऊंगा, और मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं अपने वादे पर खरा उतरूंगा, और मैं कल सही वक्त पर तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। फिर सोहन अपनी लकड़ियों का गट्ठर लेकर घर की ओर चल देता है। उसकी माँ दरवाजे पर ही टेक लगाए बैठी थी। इतनी देर कहाँ रह गया था और इतनी सारी लकड़ियाँ? बस किसी को काटने में लेट हो गया माँ। इतनी लकड़ियों में तू कितने दिन घर चला पाएगी और दवाई ला पाएगी? इतनी में कम से कम एक महीना तो चल ही जाएगा, पर तू ये क्यों पूछ रहा है? अरे मुझे तू कुछ परेशान लग रहा है, बोलना क्या बात है? माँ के पूछने पर सोहन सारी बात अपनी माँ को बता देता है। तुमने वादा किया है, पर एक बार भी ये नहीं सोचा कि तेरे जाने के बाद मेरा क्या होगा। सोहन की माँ जोर जोर से रोने लगती है। फिर सोहन जंगल के लिए निकल पड़ता है और उसी नदी के पास पहुँच जाता है। आप जी, आप कहाँ हैं? मैं आ गया हूँ, जैसा मैंने आपसे वादा किया था। वाह, तुम तो एक सच्चे आदमी निकले। तुम मेरा भोजन बनने के लिए आ गए। मुझे तो लगा मुझे खुद ही कष्ट उठाना पड़ेगा। आपसे वादा किया था तो मुझे तो आना ही था। आज कल कौन वादा रखता है अपना याद। तुम्हारी इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? अपने जीवन के अलावा तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आखिर आप लोगों को मारते ही क्यों हो? आप जानवरों को खाकर भी तो अपना पेट भर सकते हैं। मैं लोगों को शौक से नहीं मारता, पर ये तुम्हारी आखिरी इच्छा है कि मैं अपने बारे में तुम्हें बताऊं, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं यहाँ का बहुत अमीर आदमी हुआ करता था। मेरे पास किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं थी। नौकर चाकर मेरे आसपास घूमा करते थे, पर वो कहा जाता है ना कि ज्यादा दौलत किसी का भी दिमाग खराब कर सकती है। लोग घमंड में आकर अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं, और यही गलती मैंने भी की। मैंने अपने माँ बाप के साथ हमेशा बुरा व्यवहार किया, उन्हें कोठरी में बंद कर दिया। मेरी माँ एक तपस्वी औरत थी। माँ कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, पर उन्होंने क्रोध में आकर मुझे एक श्राप दिया कि तुम हमेशा के लिए एक सांप बन जाओगे और लोग तुमसे दूर भागेंगे, कोई भी तुम्हारे निकट नहीं आएगा। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनके अपमान के बारे में सोच भी नहीं सकता, तो तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुम्हारी परीक्षा ले रहा था मैं। तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? हाँ, जिसके सर पर उसकी माँ का आंचल हो, और जो अपनी माँ से इतना प्यार करता हो, आखिर उसे कोई कैसे मार सकता है? पर मैं हमेशा यहीं रहूंगा जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिल जाती, और लोगों को इसी तरह मारता रहूंगा जो अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते हैं। ये कहकर वो भूतिया सांप वहाँ से गायब हो गया। सांप के वहाँ से गायब होते ही वहाँ पर सोने का सिक्कों भरा मटका सोहन को मिला, जिसे लेकर वो घर आ गया और अपना जीवन अपनी माँ के साथ सुख में बिताने लगा।